हेलो फ्रेंड्स, रेज टू हेल्प में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इन्वर्टर को कैसे मेन सप्लाई से हटाना है, क्योंकि अगर आप इन्वर्टर की इनपुट सप्लाई का अगर स्विच भी ऑफ करते हैं तो घर की सारी बिजली चली जाती है, पूरी सप्लाई चली जाती है। तो इसको कैसे फिक्स करना है, कैसे आपको इन्वर्टर को हटाना है, अगर आपके इन्वर्टर में कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, फॉल्ट आ जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए आपको कैसे उसको मेंस पावर सप्लाई से हटाना है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप इन्वर्टर या इससे जुड़ी एक्सेसरीज खरीदना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, आप उन लिंक्स पर क्लिक करके इनको परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इन्वर्टर की मेन इनपुट सप्लाई है। ये देखिए, ये मैंने इस स्विच बोर्ड से इनपुट दे रखी है। तो सबसे पहले इसको रिमूव करने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इस स्विच को ऑफ करता हूँ तो हमारे घर में अंधेरा हो जाता है, सारी सप्लाई चली जाती है, और अगर मैं इसी स्विच को फिर से ऑन करता हूँ तो ये सप्लाई फिर से आ जाती है। तो अगर मैं इसको निकालूंगा तो सप्लाई चली जाएगी, तो इसको क्या प्रोसीजर है कि हम इसको निकालें और सप्लाई भी ना जाए। सबसे पहले हम इन्वर्टर को बैटरी टर्मिनल से हटा देंगे और इन्वर्टर की ये जो दो वायर हैं, ब्लैक और वाइट, इनके एंड्स पे टेपिंग कर देंगे ताकि ये शॉर्ट ना करें। ये देखिए, ये रेड वायर है, ये ब्लैक वायर है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा हुआ है। हम इनको बैटरी से रिमूव कर देंगे और इनके एंड्स पे टेपिंग कर देंगे। ये हमारा सबसे पहला स्टेप है। अभी हम एक टेस्टर लेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि कौन सी वायर में करंट आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले इन्वर्टर की पावर सप्लाई को हटाते हैं और स्विच को ऑन करके चेक करते हैं कौन सी साइड में करंट आ रहा है टेस्टर के साथ। तो ये देखिए, हाँ, राइट साइड में, ये देखिए टेस्टर जल रहा है, तो मतलब राइट साइड में करंट है और लेफ्ट साइड में करंट नहीं है। अभी हम इन्वर्टर के बैक साइड आउटपुट सॉकेट से प्लग को हटाएंगे और चेक करेंगे कि प्लग के कौन सी साइड में वायर लगा हुआ है, क्योंकि इस प्लग को अभी हमें उस सॉकेट में लगाना है जिस सॉकेट से हमने इस इन्वर्टर के लिए इनपुट सप्लाई ली थी। और हमें ये इंश्योर करना है कि ये जो सिंगल वायर इसमें लगी हुई है प्लग में, वो सेम उसी जगह पे लगे यहाँ पे हमें टेस्टर लाइट दिखा रहा था इस सॉकेट में, क्योंकि सप्लाई वाला प्लग सेम रहना चाहिए तभी चलेगा। अगर आपने दूसरी साइड में इस वायर को लगा दिया तो ये शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगी और कुछ भी जल सकता है। बैक साइड प्लग के कौन सी साइड में वायर कनेक्टेड है वो चेक करने के लिए हम डायरेक्ट टेस्टर से भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए, राइट साइड में हमारा टेस्टर जल रहा है, मतलब इस साइड में ही वायर कनेक्टेड होगी। तो हम ये ध्यान रखेंगे कि प्लग के इस साइड में कौन सा सॉकेट है और उधर में कौन सा सॉकेट है। ये देखिए, इधर भी राइट साइड में ही टेस्टर ग्लो कर रहा है और सॉकेट में जिसमें हमने इनपुट सप्लाई लिया था इस इन्वर्टर के लिए, उसमें भी राइट साइड वाले ही सॉकेट में ही टेस्टर जल रहा था। तो मतलब हमारा जो प्लग है ये सही से कनेक्टेड है, राइट साइड में ही हमारी वायर कनेक्टेड है। तो चलिए अब हम इस प्लग को डायरेक्ट सॉकेट में लगा देते हैं और स्विच को ऑन करते हैं। तो ये देखिए, ऑन करते ही हमारे घर की सप्लाई आ गई और हमारे इन्वर्टर के कनेक्शन इजीली रिमूव हो गए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।